भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 10 दिनों में केंद्र सरकार ध्वस्त किए गए रविदास मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश नहीं लाती और अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं करती तो SC ST के साथ ही OBC समाज भी मिलकर भारत बंद करेगा। मंदिर नहीं बनने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया ने कहा कि भीम सेना केंद्र सरकार को 10 दिन का समय देती है। अगर 10 दिन में रविदास गुरुघर मंदिर नहीं बनवाया गया तो भारत बंद बुलाकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मंदिर नहीं बनने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कमल सिंह वालिया ने कहा कि तुगलकाबाद बवाल के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने पुलिस के जरिए प्रदर्शनकारियों के बीच शरारती तत्व घुसा दिए। इन शरारती तत्वों ने रविदास मार्ग पर कारों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। सरकारी एजेंसियों व मनवादी सरकार ने ये बवाल करवाया है। भीम सेना के कार्यकर्ता व अन्य राज्यों से आए लोग अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने तुगलकाबाद में तोड़फोड़ नहीं की। तुगलकाबाद में रविदास स्मारक के लिए रैली के बाद हुई हिंसा के बारे में इंडियन एक्सप्रेस की ये लाइन भीम आर्मी के दावे की पुष्टि करती है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की शह पर पुलिस ने भीड़ में नकाबपोश अराजक तत्व घुसाए जिन्होंने तोड़फोड़ की।